क्या बात है, क्या बात है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाना आ गया आपको। हाँ चलो भाई, बधाई हो। लेकिन सिर्फ एक गाना बजाना आ जाने से कोई आप ये नहीं कहेगा कि आपको बजाना आ गया, क्योंकि शौकिया तौर पे बजाने वाले लोग तो एक आध गाना तो बजा ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए, आपका फिर से स्वागत है दुनिया की इस अनोखी ऑनलाइन म्यूजिक क्लास में। अनोखी इसलिए क्योंकि आप बिना इंस्ट्रूमेंट के भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो। तो चलिए, अब अगले ट्रेनिंग के लिए आपको फिर से एक बार आपकी ड्राइंग में कुछ सुधार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आपको आपके दिल में सवाल आया होगा कि हमने जो गाना बजाना सीखा नर्सरी राइम्स, उसमें पहले वीडियो में हमने दो गानों की नोटेशंस गाना सीखे सीखा था, लेकिन उसमें पहला गाना था आई हेयर थंडर। लेकिन हमने जब सारे गामा पधा नि सा बजाना सीख लिया तो आई हेयर थंडर नहीं बजाया, ट्विंकल ट्विंकल बजाया। आई हेयर थंडर क्यों नहीं बजाया? तो अभी उसका आपको जवाब मिल जाएगा इस ड्राइंग करने में। अब आई हेयर थंडर अगर आपको बजाना है तो उसके लिए आपके ड्राइंग पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग बना लेते हैं, जो कि आई एयर थंडर गीत को बजाने के लिए और इसी तरह से आगे और भी गीत जो हमको बजाने हैं उसके लिए वो जरूरी है। तो ये तो आपको याद है सबसे पहला ड्राइंग जो हमने बनाया था, और आपको याद होगा कि इस ड्राइंग को बनाते वक्त हमने कहा था कि इसको आप पेज के बीचों बीच बनाएंगे और इसके इस तरफ और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। वो क्यों कहा था अब आपको पता चलेगा। अब हमको ये जो दोनों साइड हमने खाली छोड़े थे, यहां पर एक इसी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ड्राइंग बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा इंस्ट्रूमेंट ही यह ड्राइंग है, और इसलिए अगर ड्राइंग बनाने में गलती हुई तो सारा कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि मैं अब ये जो ड्राइंग को बढ़ा रहा हूँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उसमें किस तरह से डॉट्स दे करके मैं कितनी लाइनें बना रहा हूँ, कितनी फुल है कितनी हाफ है, वो आपको बिल्कुल इसको ध्यान से देखना होगा। और ये वीडियो बार बार देख करके आपको अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो आइए सबसे पहले ये ड्राइंग आप अपनी निकाल के अपने सामने रखेंगे, और सबसे पहले हम उसके लेफ्ट साइड में काम करेंगे। लेफ्ट साइड में अब आपको पेंसिल से शुरू करना है। तो पहले हम डॉट्स लगा देते हैं लाइन के डिस्टेंस के हिसाब से। ये पहला डॉट लगा दिया हमने, फिर थोड़ा लाइन का डिस्टेंस देखते हुए दूसरा लगाया, फिर ये हमने लगाया तीसरा डॉट, फिर ये लगाया, ये थोड़ा सा पास हो गया, इसको दूर कर देते हैं, फिर ये लगाया चौथा डॉट, फिर ये पांचवा, और अगर जगह है तो आप छठा भी डॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि कौन सी लाइन पूरी होगी कौन सी आधी होगी, ठीक है। यहाँ सारे गमा पधा निशा नहीं लिखा, मैं पहले वो लिख देता हूँ। सा रे ग म प ध नी सा। अब ये आपको तो पता ही है, दिखाई दे रहा है ना। तो अब ये हमारी पुरानी ड्राइंग थी, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे बढ़ाएंगे देख लीजिए। पहले हम उसी तरह से पहले इधर डॉट लगा लिए, इधर भी हम डॉट लगा लेंगे इस तरह से डिस्टेंस को देखते हुए। ये थोड़ा इधर लगा लिया हमने, एक, इसके बाद दो, फिर यहाँ तीन, फिर चार, पांच और छ, जितना आपके पास स्पेस है। पांच छह डॉट, पांच डॉट भी लग गए तो काफी है। अब लेफ्ट साइड में पहले याद रखिए, क्योंकि अब लेफ्ट साइड में जो बनेगा वो अलग होगा, राइट साइड में जो बनेगा वो अलग होगा। लेफ्ट साइड में आप
इस फर्स्ट लाइन से पिछले वाली लाइन को आधी बनाएंगे इस तरह से। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आगे आपको जब इसको पूरा बनाएंगे तब आपको दिखाई देगा। और इस लाइन से दूसरी लाइन जो है वो भी हम आधी बनाएंगे। सा वाली फर्स्ट लाइन से पहली लाइन आधी, सा की फर्स्ट लाइन से दूसरी लाइन आधी, सा की फर्स्ट लाइन से तीसरी लाइन भी आधी। अब सा से लेके इस तरफ लेफ्ट साइड में चौथी लाइन को हमको पूरा बनाना है, और सा से लेकर के पांचवी लाइन को आधा बनाना है, और छठी लाइन को भी आधा ही बनाना है। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी हो गई, इसको फाइनल करते वक्त हम छोटी कर लेंगे। ये इस तरह से अब लेफ्ट साइड की लाइनें बन गई। तो पहले लेफ्ट साइड का कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो आधी आधी लाइनें हैं आपको दिखाई दे, इसलिए मैं इसको ब्लैक पेन से भी कर लेता हूं। देखो, ये सा से फर्स्ट लाइन जो है लेफ्ट साइड की ओर जाते वक्त आधी, सा से सेकंड लाइन आधी, सा से थर्ड लाइन आधी, सा से लेफ्ट साइड की तरफ फोर्थ लाइन पूरी, सा से लेफ्ट साइड की तरफ फुल लाइन के पीछे आधी, सा से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन आधी हो गया। अब जैसे हमने यहां ये आधी आधी लाइनों को टी बनाया था, इसको टी बना देंगे। यहां टी बना दिया, लेकिन हमें पता चले कि हमारा जो मिडल वाला पुराना ड्राइंग कौन सा था और नया जो बना है वो कौन सा है, इसके लिए हम इस साइड के लेफ्ट साइड के कीज को जो आउटलाइन देंगे वो रेड कलर के देंगे। देखिए, इसको हमने आधा 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 टी कर लिया पूरा, और इस टी को हम ऊपर जोड़ देंगे। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है, कीबोर्ड में आपको रेड कलर की नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसको जोड़ दिया ऊपर। अब इन चीज को हम ब्लैक कलर कर देंगे, आउटलाइन से हमको पता चलेगा। कीबोर्ड में दो ही कलर की होती है, व्हाइट और ब्लैक। देखिए, फिर से इसी तरह का एक सेम स्ट्रक्चर यहां बन गया। ठीक है, तो आप अभी पहले इस तरह से अपने मेन ड्राइंग के लेफ्ट साइड में अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में आपको राइट साइड में ड्राइंग कंप्लीट करना है। ठीक है, और याद रखिए, जिस स्टेप से मैंने ये ड्राइंग बनाई है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको भी बनानी है। तो चलिए आप बना लीजिए, फिर लेफ्ट साइड की ड्राइंग हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ओके।